तो जैसे कि मेरे पास अभी Asus का Zenfone का जो 6G वेरिएंट है उसका जो बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा था वो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। बस आपको दो स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे बहुत ही ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम के साथ। तो चलिए देखते हैं इस फोन में आपको कैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। पहले जैसे आपको करना क्या होगा, आप अपने सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपके जो सिस्टम ऑप्शन है, सिस्टम ऑप्शन पे जाने के बाद अबाउट फोन में जाएंगे। अबाउट फोन में आपको नजर आएगा यहाँ पे आपका मॉडल नंबर Asus। तो पहले बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप कर लेना होगा। टैप करने के बाद आपका जो पैटर्न है उसको आप यहाँ से दे दीजिए, और देने के बाद यहाँ पे आप सीधा डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, और ऑन करने के बाद सीधा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन आएगा। ऐप्स के ऑप्शन में अगर आपको ये ऑन मिलता है तो आपको ये ऑन से ऑफ कर देना होगा। और दूसरा जो है कि बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आपको यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर सेट कर देना होगा। यहाँ से अगर इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट करते हैं, यहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स रन करते हैं उस रन जब तक होता है वो क्लोज होता है अपने आप ही। तो अगर इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे वो आप कोई भी रन नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस आपको बैटरी सेविंग और स्क्रीन ऑन टाइम में बहुत ही ज़्यादा तरह आपको फर्क नज़र आ जाएगा। ये था हमारा पहला जो ऑप्शन जहाँ पे आपको बैटरी सेविंग के लिए बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद आपको जाता है दूसरा ऑप्शन पे जहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। यहाँ से आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ग्रेनिफाई एप्लीकेशन। तो ग्रेनिफाई एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, और ये करीब 2 MB का एप्लीकेशन है और ये यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। हाँ, तो आप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। और पहले वर्किंग मोड पर आपको पूछा जाएगा कि आपका डिवाइस रोटेड है या नॉन रोटेड है, या आपको श्योर नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉन रोटेड डिवाइस पे आपको टैप कर लेना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे परमिशन जो है एंड्रॉयड 5.1 के आप जो एंड्रॉयड वर्जन है उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ग्रैंड परमिशन पे क्लिक कर दीजिए। और करने के बाद ग्रीनिफाई को जो एप्लीकेशन यूज है उसको यहाँ पे परमिशन पे ग्रैंड कर दीजिए, और फिर बाहर आ जाइए। और बाहर आने के बाद यहाँ पे फिनिश पे टैप कर दीजिए। और फिनिश पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप डेली यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो प्लस वाला ऑप्शन मिला इसको यहाँ पे टैप कर लीजिए, और टैप करने के बाद शो मोर एप्स पे क्लिक कीजिएगा। और आपका कोई एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहा है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सब ऐड हो जाएंगे, जितने भी आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस रन कर रहा है। बस आपको करना होगा यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसको प्रेस कर दीजिए, और करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, और जो एप्लीकेशन के परमिशन है वो भी यहाँ पे ऑन कर दीजिए। करने के बाद बैक प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से इसको प्रेस कर दीजिए, और ये ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन आपके बाहर रन कर रहा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोर्स क्लोज कर देगा। मतलब ये एप्लीकेशन जो बाहर रन कर रहे थे वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेनिफाई का ऑप्शन यहाँ पे बाहर मिल जाएगा, और यहाँ पे विजेट जो आपको मिलता है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे हाइबरनेट नाउ एंड स्लीप प्लस, दो ऑप्शन ही आपको यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी है। तो आपको यहाँ पे स्लीप एंड हाइबरनेट अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिवाइस का जो एडमिन प्रोसेस है उसको आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना होगा। अब एडमिन प्रोसेस जब आप यूज़ करते हैं उसके बाद यहाँ पे ग्रेनिफाई पर टैप कीजिए, और स्लीप एंड हाइबरनेट पर प्रेस कर दीजिए, और डिवाइस अपने आप ही यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो मतलब आपका जो बैकग्राउंड के प्रोसेस का जो एप्लीकेशन है वो रन हो रहे थे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और आपका फोन का जो बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम और बैटरी जो टाइम है वो ज़्यादातर आपको करीब 12 से 13 घंटे तक यूजेज आपका मिल जाता है। तो ऐसा ही आपको बैटरी का जो प्रोसेस था आपको यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ साथ ही साथ आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे।